जो प्रोटीन बन गया, मान लो कि रॉन्गली फॉर्म हो गया, गलत फॉर्म हो गया, या रॉन्ग बाइंडिंग हो गया, रॉन्ग फोल्डिंग हो गया, या प्रोटीन अब नहीं चाहिए सेल में, उसको डिग्रेड करना है, ब्रेक करना है, तो प्रोटीन को जो ब्रेक करना होगा या उसको रिमूव करने का जो सिस्टम है बॉडी में, ठीक है, डिग्रेड करने का प्रोटीन का, वो दो मेन सिस्टम है। एक तो लाइसोसोम, लाइसोसोम के एंजाइम्स जो है, लाइसोसोम को किस नाम से जानते हैं हम लोग, लाइसोसोम ऑर्गेनेली को सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग? बिकॉज इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑफ द सेल्स। व्हाट कंपोनेंट ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन और किलिंग ऑफ द सेल? व्हाट्स इट, व्हाट कंपोनेंट ऑफ द लाइसोसोम helps in killing of the cell? Enzymes, lysosome enzymes. There is the presence of enzyme AC hydrolysis. Is it? Hydrolysis. Many enzymes are present, such as nucleases, proteases. बहुत सारे enzyme होते हैं वहाँ पे, ठीक है? उन सारे enzyme को collectively किस नाम से जानते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस के नाम से, ठीक है? एसिड हाइड्रोलाइसिस के नाम से उन सारे एंजाइम्स को कहा जाता है जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब लाइसोसोम ब्रेक ओपन हुआ है तो इसके अंदर जो एंजाइम्स है सिक्रेट होकर सेल में आ जाते हैं, और सेल में आते हैं तो एंजाइम क्या करते हैं, जो इंपोर्ट बायोमोलिक्यूल्स सेल का उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और इस तरह से पूरे सेल का मशीनरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेल डेथ हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि न्यूक्लियेसेस है, तो न्यूक्लियेसेस का क्या मतलब है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेगा, एसिड लगा हुआ है न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियेसेस है यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा। इस तरह से एंजाइम है जो अलग अलग मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। तो ये हमने देखा कि लाइसोसोम के अलावा प्रोटीन डिग्रेड हो सकता है, ठीक है ना? इस प्रोटीयोसोम फॉर्मेशन के द्वारा भी क्या होता है, इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। अच्छा, ये सुना है यूटिनेशन, जो प्रोटीयोसोम मेडिएटेड डिग्रेडेशन होगा, ठीक है ना, प्रोटीयोसोम के माध्यम से हम प्रोटीन का ब्रेक करवाएंगे, तो वो यूटिनेशन होता है, एक ग्रुप होता है यूबीक्यू, वो उस प्रोटीन के चले जाता है जिसको डिग्रेड करवाना है। तो यूबीक्यू टीम के माध्यम से हम प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं यूटिनेशन। हम डिस्कस करेंगे यूबीक्यूटिनेशन के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम लोग समझेंगे।